एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलीमा का जहाँ। तो गाइस, आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, यहाँ पे बज रहे हैं शायद 4:30 बजते होंगे। यहाँ की तो घड़ी ख़राब है, मैं इधर देख रही, इधर तो 9:15 बज रहे हैं, घड़ी अटकी पड़ी है। और सोहेल दाइल के ट्यूशन के जाने का टाइम हो रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, मतलब सबके लिए। और ये देखिए, सब हमारा पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह मेज़ वगैरह रखी थी, तो अब सोफ़ा मेज़ वगैरह इधर आ गया, टेडी बेयर इधर आ गया और इधर वो टेबल्स आ गई मेरी जो पापा की शॉप पे रखी थी, और अंदर वाली टेबल अंदर से। ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं फालतू, क्यों लड़ रहे हो गाइस? सारे इधर पापा के और मेरे व्लॉग में ये लोग लड़ते हुए ही दिखेंगे, जैसे लड़ते हैं ये दोनों। क्यों लड़ रहे हैं? तो बताओ मुझे, तो बताओ। आईफोन है इसका, ही कवर है वैसे इसका। हाँ, वो निकाला है, कैमरा साफ कर, सोने दे उसे। हाँ, उसकी चोट लग गई है यहाँ पे गाइस, देख सकते हैं। मैं जूम करके सब चीज़ें दिखा रही हूँ तो हिल ले रही हूँ, क्योंकि गाइस मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, घर बैठे बैठे इतने दिनों से व्लॉग नहीं बनाया है ना, वो भी कह रहा है। हाँ, से मुझे स्कूल भी जाना है, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा एडमिशन हो गया स्कूल में। और बाकी ड्रेस वगैरह और बुक्स वगैरह नहीं आई हैं क्योंकि आज ही एडमिशन हुआ है, तो पापा बोले एक आध दिन अभी ऐसे ही जाओ स्कूल में, और बुक क्योंकि ड्रेस सिलने में टाइम लगेगा, 2-3 दिन तो लगेंगे, कपड़ा लेकर आना, 2 जोड़ी ड्रेस सिलेंगी, फिर कोर्स तो मेरा एक आध दिन में आ ही जाएगा। बाकी आहिल ये साइकिल पर क्या लगाया, क्या लगाया साइकिल पर? ये सोहेल की साइकिल है और आहिल खराब कर देता है उसकी। आहिल ना क्या कर रहे हो, ये देखें, ये बनेंगे कुछ ना कुछ। अबे चढ़ा दी उनने, चढ़ा एक बार भी चढ़ गई चैल। चाय मैंने रख दी है और अब मैं सोच रही हूँ चाय के साथ थोड़ी शाम को कचरी भी हो जाए। बच्चों क्या चाहिए शाम को? चाय के साथ पिज्जा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, क्या चाहिए? वो सब नहीं मिल पाएगा, घर की चीज बताओ, पापे, पेन, कचरी, इन तीनों में से क्या क्या? कचरी तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा बताओ? चाहिए चावल, चावल चाय के साथ, चावल कौन खाता है? कचरी खाओ, कचरी कचरी। तो ये है हमारा रूम जिधर, अच्छा उधर डैंस ही सो रही है, इधर हमारा टाइगर सो रहा है एसी में। और टिगरे, मेरे टिगरे, मेरे टिगरे ने बिरयानी खाई सुबह सुबह, पराठे खाए सुबह सुबह इसने, देख सकते हैं। यहाँ पे वो मेरा कूलर वगैरह रखा हुआ था, सब सेटअप हो गया क्योंकि यहाँ पे कूलर की ज़रूरत नहीं रही, यहाँ पे लग गई है एसी, तो इस हमारे बिल्कुल सही से सेट हो गया हमारा रूम वगैरह। क्यों है ये इसकी साइकिल गाइस, जब तक ये टूटेगी नहीं ये छोड़ेगा नहीं इस साइकिल को। और ये लोग तो स्कूल जाते नहीं, ये बच्चे शैतान बच्चे हैं, ना पढ़ने जाते ना स्कूल जाते हैं, बस शौक नहीं, इनके पास बैग रहते हैं। यहाँ पे ये आहिल आलू छील रहा है, ऐसे नहीं छिलता, उल्टी छुरी चला रहा है, देख सकते हैं गाइस, ऐसे छिलते नहीं। मम्मा आलू छील लेंगे सही से, पता नहीं हमारे डिनर में क्या बनता है, हमें कुछ पता ही नहीं रहता, जब डिनर बन जाएगा जब। अरे कोई आया हमारे यहाँ, जाओ देख के, कोई ना आया, जाओ गेट खोल जल्दी से, जाओ ये रखते ऐसे बंद कर दिया सोहेल को गाइस, देख सकते क्यों लड़े हैं। अरे यार, ये आहिल पिटने वाला है, इस कुछ देर जा रही है, प्लानिंग चल रही है कैसा होने का घर, कच्चा होगा पक्का। यहाँ पे हमारी टी बन चुकी है और आज हमारे डिनर में बनेगा बढ़िया आलू, ये बहुत अच्छी होती है खाने में गाइस, खाया करे, इससे फायदा भी होता है। यहाँ पे मैं अब डिनर बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया, ये डाल दिया बाकी सब। क्यों लड़ रहे हो दोनों, आए ये लोग सबसे ज्यादा शोर में था। बाहर का नजारा यहाँ से, सिर्फ घर में थे देखिए, बुलाने के लिए। और आहिल इस टाइम चाय पी रहे हैं और अपनी कचरी खा रहे हैं, मैं रखा लो, अब बैठ जाए मेरा एक तरफ, जल्दी जल्दी खाओ और उसके संग जाओ पढ़ने के लिए। और हमारी ये कचरी और ये हमारी टी हो गई।
गया है नेक्स्ट डे और कल मैंने पूरा ब्लॉग एंड नहीं करा था, तो मैं ब्लॉग आज एंड करूँगी। और आज मुझे स्कूल जाना था, मैंने ये स्कूल क्योंकि ड्रेस की वजह से नहीं गई, ड्रेस नहीं आ पाई थी, तो मम्मा आज मेरी ड्रेस भी ले आई हैं और वो सिलने के लिए जाएगी। और देख सकते हैं इस कल ये वॉल ग्रीन कलर की थी और पापा ने ग्रे कर दिया अपने स्टूडियो के लिए। पापा अब यहाँ पर अपना स्टूडियो बनाएंगे और बाकी सब स्टूडियो के सामान वगैरह ले आए हैं पापा, लाइट्स वगैरह सब चीज़ें। लाइट स्कूल से आ चुके हैं, मम्मा ड्रेस ले आए मेरे लिए, सिलने के लिए जाएगी। और ये लोग देख रहे हैं ब्लॉग। तो बताइए कौन कौन सी रेसिपी बन रही है। ये सीख कबाब के लिए तैयार हो रहा है कबाब, और ये सीख कबाब सबने बन गए, सीख कबाब है ये, हाँ हाँ, और ये सिकंगे, और ये कबाब कोफ्ते चटनी वाले हैं। हाँ, सही है। तो ये वाले कबाब कोफ्ते चटनी वाले हैं। हाँ, ये वाले मम्मा सीख कबाब ट्राई करके देख रही है। ये हैं आलू कोफ्ते। ये आलू कोफ्ते बनाएंगे। ये आलू कोफ्ते मसाले होते हैं वो, ये चटनी कोफ्ते, चटनी कोफ्ता कबाब है ये, चटनी कोफ्ता कबाब, ये सीख कबाब, ये हैं आलू कोफ्ते जो बनते हैं मेन। तो आप लोगों को अगर इनकी रेसिपी देखनी है तो इनके चैनल पर जाके देखिए, बहुत अच्छी रेसिपी बनाती है। मम्मा की चटनी कोफ्ते रेसिपी जो है वो मम्मा के चैनल पर अपलोड हुई हुई है, समन सेवन स्टार कुकिंग पे, वहाँ देखना चाहे तो देख सकते हैं वाली रेसिपी। यहाँ पे हम सबके लिए चाट बनी रेसिपी है, वो पूरी तरीके से मतलब बनी नहीं है, तो ये चटनी है, ये चटनी है ये हाँ। ये भगार होगा इन चीज़ों से, ये सब नींबू हरी मिर्ची साबुत डलेंगी, छल्ले वाली प्याज डलेगी। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं जा रही हूँ, बाय।